हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। डियर स्टूडेंट, जो ये आज की हमारी वीडियो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्गो लॉजिस्टिक एलाइड सर्विस में जो सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसीज आई थी उसके क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर ये वीडियो है, क्योंकि लास्ट मैंने 2 वीडियो बनाई थी और आपके बहुत सारे कमेंट थे। हालांकि मैंने कुछ क्वेश्चन को अपनी लास्ट वाली वीडियो में कवर किया था, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रह गए थे असिस्टेंट सिक्योरिटी की जो यहाँ पे वैकेंसीज आई थी उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा शिफ्ट टाइमिंग क्या रहेगी, इसमें कितनी शिफ्ट में आपको काम करना मिलेगा, कुछ सैलरी एक्स्ट्रा भी मिलेगी या नहीं मिलेगी उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या रहेगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, अगर कॉल लेटर आपको आएगा तो सबसे पहले किन स्टूडेंट को आएगा, किन स्टूडेंट को नहीं आएगा, चांस क्या है कॉल लेटर आने के लिए, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हम एक टॉपिक को लेते हैं, शिफ्ट टाइमिंग क्या है। देखो, मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था, अगर आप पढ़ने में अच्छी हो, अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, आपकी एज है, तो वैकेंसीज में अप्लाई मत करो, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अब अप्लाई करो। हालांकि आप थोड़ी मेहनत और ज़्यादा करो, थोड़ा पढ़ो, बट इस दलदल में फंसना, मतलब अगर आप नील बटे सन्नाटा है, कुछ पढ़ना भी नहीं आता, जब जाके आप इस दलदल में फंसना। आपको एयरपोर्ट की जॉब दिख रही है, लेकिन ये जॉब ऐसी है, बहुत ही गंदी जॉब है, इसमें लोडिंग अनलोडिंग आपको करना पड़ेगा, यानी एज ए सिक्योरिटी के असिस्टेंट। सिक्योरिटी का काम रहता है लोडिंग अनलोडिंग को देखना कि प्रॉपर सब चीज लोड हो रही है, कोई चोरी तो नहीं कर रहा, बहुत सारी चीज रहती है, और आपको उसका असिस्टेंट बनना है। यहां पे देखो डेजिग्नेशन का नाम दूसरा है, यानी लोडर यहां पे डायरेक्टली डेजिग्नेशन का नाम नहीं है, डेजिग्नेशन आपकी बदल के फिर आपसे लोडिंग करवा रहे हैं, ठीक है, लिखा है नोटिफिकेशन में। तो अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो अप्लाई मत करो भाई, रिक्वेस्ट है। और हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट भी किया, तो आप मेरी लास्ट वाली वीडियो पे कमेंट पढ़ लेना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कुछ फीमेल भी कमेंट करती है, तो फीमेल के लिए बता दूं, बकवास जो है एक नंबर की, फीमेल मेरी बहन कोई भी इसमें अप्लाई ना करे, रिक्वेस्ट है। हालांकि अगर आप ज़्यादा गरीब परिवार से हैं, पढ़ने में सही नहीं है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, रोजी रोटी ही चलेगी, ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ भी एकोमेंडेशन नहीं मिलेगी। अब एयरपोर्ट पर 12वीं पास लोडर की जॉब मिल सकती है, बाकी कोई जॉब नहीं मिल सकती, ये क्लियर है, ठीक है। अब आगे अपनी वीडियो पर बात करते हैं। शिफ्ट टाइम देखो, 3 शिफ्ट लगेगी, मॉर्निंग आफ्टरनून एंड नाइट। देखो मॉर्निंग शिफ्ट होगी जिसमें कि आपको 7 to 3 मतलब 8 घंटे की शिफ्ट ये होगी आपकी, ये भी 8 घंटे की शिफ्ट होगी। नाइट वाली शिफ्ट 9 घंटे की हो सकती है, 9.5 घंटे की हो सकती है, 10 घंटे की हो सकती है, ठीक है। ऐसे आपकी इन मतलब 9 घंटे की, 9.5 घंटे की, 10 घंटे की, 3 शिफ्ट आपकी यहाँ पे लग सकती है। मतलब एयरपोर्ट चाहे तो आपसे 9.5 घंटे काम ले सकता है नाइट शिफ्ट में, 10 घंटे या फिर 9 घंटे, इससे ज़्यादा वो नहीं कराएगा, 10 घंटे ज़्यादा है वो शिफ्ट नहीं रखेगा। लेकिन नाइट में अगर आप काम करोगे तो आपको नाइट अलाउंस मिलेगा, नाइट अलाउंसेस आपको मिलेंगे। नाइट अलाउंसेस का मंथली कितना रहता है, 2 से लेके 3 हज़ार के आसपास, हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन कुछ डिस्क्लोज यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यानी अगर आपकी सैलरी आज 20,500 है तो 2-3 हज़ार ओवर ऐड कर लो, तो हो सकता है थोड़ा बहुत ओवर टाइम भी मिले लोडिंग में, क्योंकि लोडिंग मैन पावर ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि लोड ज़्यादा आता है जहाज में, तो हो सकता है ज़्यादा मिले, तो करीबन आप 23 से 24 हज़ार रुपये कमा भी लोगे अगर नाइट शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है। दिन में ओवर टाइम के भी चांसेस है, नहीं मिल पाएंगे, तो ये आपके 8 घंटे की, ये नहीं आपको पूरा दिन काम करना, नहीं, अगर आपको मॉर्निंग शिफ्ट मिली तो आपको मॉर्निंग शिफ्ट में ही काम करना है, यानी जितने बजे आपकी शिफ्ट स्टार्ट रहेगी 8 घंटा आपको काम करके आउट करके अपने घर जाना है, फिर नेक्स्ट डे आपको जो सेम टाइम रहेगा आपको उस पर अपना अपनी ड्यूटी रिपोर्ट करनी है। ये चीज़ हुई आपकी शिफ्ट की, तो मैंने नाइट अलाउंसेस का भी बता दिया, ओवर टाइम का भी बताया मैंने, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। दूसरी बात, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। देखो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका फेस टू फेस आपका जो है इंटरव्यू होगा, इसमें ऐसा दिया हुआ है कि आपका यहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन किया जाएगा, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। हो सकता है आपका वीडियो कॉल के थ्रू इंटरव्यू, क्योंकि आपके ऊपर कंपनी इतना खर्चा नहीं करने वाले है, क्योंकि आप एज ए लोडर यहाँ पे एज ए सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती होंगे, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत देखना है कि हाँ आप प्रॉपर वेट उठा लोगे या नहीं, तो हो सकता है आपका मोस्टली चांस है कि वीडियो कॉल के जरिए आपका इंटरव्यू और सिलेक्शन भी आपका ईजिली हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है, इंग्लिश और हिंदी दोनों रिक्वायरमेंट है या नहीं है। देखो गाइस, इंग्लिश की खास ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है पढ़नी और आपको बोलनी आनी चाहिए। लोडर को कोई इंग्लिश या हिंदी की प्रॉपर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन आपसे वो प्रॉपर हिंदी में ही पूछेंगे, वो भी यहाँ पे तुर्रम खा नहीं हुए इंग्लिश में, कि आपसे प्रॉपर इंग्लिश में ही बात करेंगे, ठीक है। अगर आप सही इंफॉर्मेशन हिंदी में दे रहे हो तो हिंदी ठीक है, इंग्लिश में स्विच मत करना। अगर आपको प्रॉपर इंग्लिश आती है तो भाई फिर इस जॉब में क्यों जाना, इंडिगो एयरलाइन, विस्तारा एयरलाइन, एयरलाइन स्पाइसजेट वॉक इन इंटरव्यू लेती है, तो आप जाके वहाँ पे ज्वाइन करो, और इंटरव्यू तो फेस टू फेस, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो जब भी इसमें अप्लाई ना करें,
करें। ये वैकेंसीज उनके लिए है जो गरीब परिवार के, पढ़ने में निर्भरता सन्नाटा है, जिनको लगता है मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा तो वो इसमें अप्लाई करते बिना सोचे समझे, 20-22 हज़ार में घर थोड़ा चल सकता है, ठीक है। बाकी स्टूडेंट अगर हल्का सा भी पढ़ रहा है तो भाई थोड़ा और ज़्यादा पढ़ ले, गवर्नमेंट जो बेसक MTS की ले ले तो बेस्ट है, ठीक है। ये चीज़ें हुई सिलेक्शन की, मैंने बता दिया इंटरव्यू के थ्रू हुआ। कॉल लेटर किन स्टूडेंट को आएगा? कॉल लेटर उन स्टूडेंट को आएगा जिनकी परसेंटेज ज़्यादा है, 12th में क्लियर लिखा हुआ है, जिसकी जितनी ज़्यादा परसेंटेज है इतना कॉल लेटर आएगा। ऐसे आएगा जैसे सबसे पहले 90% वालों को आएगा, फिर 80% वालों को आएगा, फिर 70% वालों को। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपको 55-50% में भी कॉल लेटर आ जाएगा, क्योंकि भाई जब आपका इंटरव्यू होता है ना, वो आपको बोलेंगे कि आप लोडिंग अनलोडिंग कर लोगे या नहीं कर लोगे, तो आप पता है कि आपको लोडिंग करनी है, आप लोडर बनने जा रहे हो। मैं तो आपको बता रहा हूँ, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट है मेरी वीडियो नहीं वो देख पा रहे, तो जब आपको सामने से सुनाई देगा कि जहाज में से सामान उतारना है, सामान चढ़ाना है, तो आपको अपनी वैल्यू पता चलेगी, तो आप डायरेक्टली मना कर दोगे कि हाँ मेरे बस की काम नहीं है, मैं लोडिंग अनलोडिंग नहीं करूँगा, मैं अभी क्वालिफाइड हूँ तो मैं एक अच्छी जॉब लूँगा, तो आप उसको मना कर दोगे तो दूसरा बंदा वहाँ पे जो रहेगा उसका इंटरव्यू लेगा, उसकी ज्वाइन करा देंगे। तो यहाँ पे जो है ज़्यादातर कम परसेंटेज वालों के भी चांसेस आपका कॉल लेटर आ जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे, देखो इसमें यहाँ पे दिया हुआ है जब आपका इंटरव्यू होगा तो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस के आपके 1 set जीरोक्स कॉपी विद सेल्फ अटेस्टेड आपको लेकर जानी है। अगर यहाँ पे आपका फेस टू फेस यानी फिजिकल इंटरव्यू हो तो आपको सारी चीज़ें साथ लेकर जानी है। अगर आपका यहाँ पे फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं हुआ है, आपका या माइक्रोसॉफ्ट या गूगल के थ्रू वीडियो कॉल के थ्रू इंटरव्यू हुआ है, कैसे भी आपका इंटरव्यू है, ऑनलाइन इंटरव्यू है, तो आपको जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए बाद में बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है कि पासपोर्ट का होना जरूरी या नहीं है, ठीक है। पासपोर्ट का होना इस वैकेंसी में बहुत ज़्यादा जरूरी है। पासपोर्ट नहीं है तो वे क्या काम करेंगे, एक पुलिस वेरिफिकेशन का आपको फॉर्म देंगे, वो भी 15-20 दिन में हो जाता है। जब तक आपका ज्वाइनिंग लेटर ऑफर लेटर आएगा तो आप ये सब चीज़ करवा लोगे, क्योंकि वो ऑफर लेटर जब तक नहीं देंगे जब तक आपका पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर नहीं होगा, ये चीज़ें आप नोट कर लो। तो जब भी आपको ऑफर लेटर मिलेगा, जब सारी रिक्वायरमेंट्स आप यहाँ पे पूरी कर लोगे, बॉन्ड्स वॉन्ड की कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो साइन कर लोगे, हो सकता है आपको छोटा मोटा DD भी देना पड़े, बाकी यहाँ पे कुछ डिस्क्लोज नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है, अगर आपको कुछ और ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके सपोर्ट में खड़ा हूँ और आपको समझाऊंगा। अगर आप पर्सनली मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम लिंक पे आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे पर्सनली क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट।